बहुत मजबूती से लड़ेंगे 403 सीटों पे, अपने दम पे लड़ेंगे। बहुत मजबूती से लड़ेंगे 403 सीटों पे, अपने दम पे लड़ेंगे। 2024 लोकसभा चुनावों के बाद से मानो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई अहम बदलाव आए हैं। एक तरफ बीजेपी इस हार को लेकर लगातार मंथन में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट गए हैं। और दावा ये किया जा रहा है कि 2027 में सपा और कांग्रेस मिलकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को खाड़ फेंकने की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया प्लेयर भी आ गया है और इनका नाम है चंद्रशेखर आजाद। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने 2024 लोकसभा चुनावों के दौरान नगीना सीट से जीतकर पार्टी में एक नई ऊर्जा डाल दी है। लेकिन इस बीच 13 जून को अयोध्या पहुंचे चंद्रशेखर आजाद से जब पत्रकारों ने 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर सवाल पूछा, तो उन्होंने बिना एक सेकंड गवाए ये कह दिया कि आगामी 2027 विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और वो भी अपने बदौलत। बहुत मजबूती से लड़ेंगे 403 सीटों पे, अपने दम पे लड़ेंगे। बहुत मजबूती से लड़ेंगे 403 सीटों पे, अपने दम पे लड़ेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने सबको चौंका दिया। ये सीट चंद्रशेखर 151,473 वोट से जीते हैं, उन्हें 512,552 वोट मिले। भाजपा के ओम प्रकाश दूसरे नंबर पर रहे, उन्हें 361,079 वोट मिले। समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार को 102,374 वोट मिले। अगर उत्तर प्रदेश के नगीना सीट की बात करें तो ये सीट काफी दिलचस्प मानी जाती है। नगीना सीट को किसी भी पार्टी का गढ़ नहीं माना जाता, यहाँ से कोई दोबारा सांसद नहीं बनता। पिछली बार के सांसद गिरीश चंद्र इसी वजह से इस बार बुलंदशहर चले गए हैं, उनकी जगह बसपा ने सुरेंद्र पाल सिंह को टिकट दिया। बीजेपी ने उन कुमार को टिकट दिया जो नठौर विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके हैं। वहीं सपा ने पूर्व न्यायिक अधिकारी रहे मनोज कुमार को टिकट दिया था। लेकिन इस सीट की लड़ाई को दिलचस्प बनाया था आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद से ही चंद्रशेखर ने नगीना में डेरा डाल दिया था। 1.5 साल की मेहनत के बाद उम्मीद थी कि सपा रालोद कांग्रेस के इंडिया गठबंधन से उन्हें यहां से दावेदारी मिल जाएगी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले जयंत चौधरी बीजेपी के साथ हो गए और सपा ने नगीना से अपना उम्मीदवार उतार दिया। नगीना से सपा उम्मीदवार घोषित होने के बाद एक बात साफ हो गई कि अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के बीच नगीना से दावेदारी को लेकर कोई सीधी बात नहीं हुई। कहा गया कि चंद्रशेखर ने सपा से समर्थन नहीं मांगा, इसलिए अखिलेश ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। हालांकि कहा यह भी गया कि सपा चंद्रशेखर को साइकिल सिंबल से चुनाव लड़ाने की तैयारी थी, लेकिन चंद्रशेखर साइकिल पर सवार होने को तैयार नहीं थे। चंद्रशेखर की सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ जैसे दलित बहुमूल्य जिलों में तगड़ी पैठ मानी जाती है, दलितों में भी और मुस्लिम समुदाय में भी, इसलिए चंद्रशेखर अपनी सिंबल पर ही लड़ना चाह रहे थे, लेकिन बात नहीं बनी। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।